अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल कर रहे थे कि हम कुवैत से अभी इंडिया जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं और कितना प्राइस रहेगा इंडिया को जाने के लिए, तो उसके हवाले से हम पूरी अपडेट के बारे में जानकारी देंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि सभी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें हम बात करेंगे कुछ लोगों की जॉब है जो है वो जाने वाली हैं, कर्फ्यू को लेकर कुछ अपडेट आ रही है, फ्लाइट को लेकर आ रही है अपडेट। तो सभी चीज़ों को आप जान लीजिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए और आप कहीं पर भी काम करते हैं तो आप आसानी तरीके से जो है चीज़ों का लाभ ले सकें और जो चीज़ों से आपको बचना है उन चीज़ों से बच सकें। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो देखिए सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। सबसे पहली कुवैत एयरवेज और जजीरा एयरवेज, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है फ्लाइट को बंद किया गया है, इनके तो काफी ज्यादा लॉस हो चुका है। 1 बिलियन का इनको लॉस हुआ है, घाटा हुआ है। तो एक ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए कि जितनी भी फ्लाइट जो एयरवेज वगैरह चल रही है तो उनको हर देश की फ्लाइट को जो है काफी ज्यादा लॉस हुआ है इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि फ्लाइटें चल नहीं रही, सारी चीजें बंद है, तो इसलिए इन चीजों को भी लॉस हुआ है, इन कंपनियों को भी लॉस हुआ है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं, जो डिलीवरी बॉय हैं रेस्टोरेंट वगैरह या होटल वगैरह के जो रहते हैं, जिन रेस्टोरेंट या होटल वगैरह ने परमिट ले रखा है सिर्फ उन्हीं को इजाजत है डिलीवरी करने की। अदरवाइज अगर आपके होटल ने परमिट नहीं ले रखा है तो आप डिलीवरी वगैरह नहीं कर पाएंगे। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, यानी कि कर्फ्यू के दौरान भी जो है वो होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास में परमिट होना जरूरी है। अदरवाइज आप इस फील्ड में काम करते हैं तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, अदरवाइज नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, जो लोग कुवैत से बाहर आए हुए हैं, जिनकी पोस्टें बड़ी हैं ऑयल सेक्टर में और जो काफी अच्छी सैलरी उठा रहे हैं, तो उनके हवाले से अपडेट आई है निकल के। जब से अब वो लोग वहां पे पहुंचे नहीं है, उनका परमिट खत्म हो गया या किसी भी तरीके से वो वहां पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो अब अपडेट आई है निकल के कि उन लोगों की जगह कुवैती नागरिकों को रखा जाएगा। बड़ी पोस्ट वाले के हवाले से आई अपडेट, क्योंकि छोटी पोस्टों पे तो कुवैती नागरिक काम नहीं कर पाएंगे, धूप वगैरह वाला तो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एसी में बैठ के ऑफिस में बैठ के काम संभालते हैं, किसी भी तरीके से अच्छा पैसा उठाते हैं, अच्छी सैलरी उठाते हैं, तो उनकी जगह कुवैती नागरिकों को रखा जाएगा। हालांकि ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मिशनों में भी ये सारी चीजें चल रही हैं, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, ज्यादातर जो जॉबें जा रही है वो गवर्नमेंट सेक्टर से जा रही है, लेकिन कुवैती नागरिकों को अब प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को रखा जा रहा है। तो ये थी अपडेट। अगर आप कुवैत को छोड़े हुए हैं, बड़ी पोस्ट है, तो जरूर आप अपनी कंपनी का कॉन्टेक्ट कीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी जॉब पे भी उन लोगों को रख दिया जाए और आपकी जॉब भी खतरे में चली हो जाए। और ये बताना आपको इसलिए जरूरी था ताकि आप लोग अलर्ट हो सकें और किसी भी तरीके से आप अपने कंपनी से कॉन्टेक्ट करके उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दें और जो भी वजह है उनको बताएं। वजह बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि फ्लाइट बंद है तो भाई आप एंट्री कैसे करेंगे, तो इस चीज का पूरा फायदा जो है कुवैती नागरिक उठाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट निकल के वो आ रही है 60 साल के हवाले से। जैसे कि कुछ दिनों पहले, लगभग 20-30 दिन पहले, जो एक महीना पहले अपडेट निकल कर आ रही थी 60 साल को सभी को छोड़ना पड़ेगा, तो अभी तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जितने भी लोग 60 साल हैं, जैसे ही एकमा रिन्यू करने के लिए भेजेंगे, तो उन लोगों को अब जो है कुवैत को छोड़ना पड़ जाएगा। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना, अगर आपके पास में कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर 60 साल से ऊपर आपकी एज हो रही है, तो आप चाहे किसी भी फील्ड में कितनी एक्सपर्ट हैं, कितनी काम जो है उस फील्ड के अंदर कितनी नॉलेज रखते हैं, तब भी आपको कुवैत जो है छोड़ना पड़ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। अब चाहे आपका एक साल के बाद में एकामा रिन्यू हो या 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, जब भी आपका एकामा रिन्यू होने के लिए जाएगा तो आपको कुवैत छोड़ना पड़ेगा। इस चीज का आपको ख्याल रखना है, चाहे आपका 2 महीने के बाद ही। ऐसे काफी ज्यादा लोग हैं जो कि इनको छोड़ना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, पिछले जब से डोमेस्टिक वर्कर को कुवैत में एंट्री मिली है, लगभग 3,000 लोगों ने कुवैत के अंदर एंट्री की है, लेकिन उनमें जो है 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिल सलामा एप्लीकेशन के तहत इन लोगों ने एंट्री की है और 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर अभी तक आपने भी एंट्री नहीं की है कुवैत के अंदर,
और आप चाहते हैं कि एंट्री हमें मिल जाए, तो आप एक डोमेस्टिक वर्कर की वीजा लेके आप जा सकते हैं। 20 नंबर वीजा लेके घर में काम करना पड़ता है, सारा ऑल टाइप्स आपको काम करना रहेगा, उसमें फैमिली ड्राइवर भी आपको मिल सकता है काम, या फिर घर में जो नॉर्मली काम होते हैं वो भी आपको मिल सकता है, साफ सफाई का मिल सकता है, यानी कि A to Z जो भी फैमिली आपको किसी भी कफिल इंस्पोर्समेंट करेगा तो वो आपसे कोई भी काम करा सकता है। तो अगर आपको जाना है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना वीजा काम कराएं, पूरा प्रोसेस कराएं, और उसके बाद में जो है कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट थी, काफी ज्यादा लोग जो है कुवैत में एंट्री कर रहे हैं बिल सलाम एप्लीकेशन के तहत, और आप भी एंट्री कर सकते हैं। 5 लोग ओनली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जो लोग ये गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के वो आ रही है फ्लाइट टिकट के हवाले से। अगर आप इंडिया को सफर करना चाहते हैं किसी भी देश में, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, अदर कोई सी भी सिटी में आप जाना चाहते हैं, तो आपका जो टिकट रहेगा वो ज्यादा प्राइस नहीं है कि एक स्पेशल बहुत ज्यादा लो प्राइस जो है रखा गया है। आप अपने नजदीकी ट्रेवल एजेंसी से या नजदीक के ऑफिस से कांटेक्ट करें, और उनसे कांटेक्ट करने के बाद में ये सारा कुछ जो है डिटेल्स लें, और जैसे ही डिटेल्स लेने के बाद में आपको जो रहेगा 42 से 72 KD का टिकट जो है वो आपका रहेगा। तो ये जो चीज है वो आप देख सकते हैं, जो सी सिटी में आप आना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका टिकट प्राइस रहेगा। तो काफी अच्छा है और काफी लो प्राइस है, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं अगर आप कुवैत को छोड़ना चाहते हैं, किसी भी जगह पे आप आना चाहते हैं। और काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई हमें कोरोना का टेस्ट कराना होगा या नहीं कराना होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल आपको कंपलसरी जो है कोरोना का टेस्ट कराना होगा। बिना कोरोना टेस्ट किए हुए आप इंडिया के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से रूल रेगुलेशन अदर कंट्रियों ने बनाए हैं कि आपको कोरोना टेस्ट कराना होगा, तो इसी तरीके से इंडिया में आने के लिए भी आपको www.newdelhi.airport.in पर जो है आपको खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा और सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर सबमिट करने होंगे, उसके बाद में जो है आपको एंट्री मिल पाएगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट में कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में। तो 10,802 जो है नए टेस्ट हुए हैं, टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो 20,05,458 हो चुके हैं। नए केसेस जो आए हैं वो आए हैं 1,390, 2 लोगों की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 1,258 की। 224,432 जो है अभी तक टोटल केसेस हो चुके हैं। 1,369 जो है रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी 2,08,771 हो चुकी है। बात करते हैं अभी भी जो सीरियस केस हैं वो हैं 247 और जो एक्टिव केस हैं वो हैं 14,403। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी तरीके से आपके माइंड में कोई भी सवाल जवाब चल रहा है, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और बाकी जो लोग बोलते हैं भाई फ्लाइट के हवाले से जो भी अपडेट देना है आपको तभी अपडेट दीजिएगा, बाकी इस तरीके से मैं देखता हूँ कमेंट ज्यादातर जो आते हैं फ्लाइट के हवाले से, वीजा के हवाले से आते हैं। तो भाई देखिए मैं आपको इसलिए जवाब नहीं दे पाता हूँ, जिनका बहुत सारे लोगों को मैं जवाब भी दे देता हूँ, बहुत सारे को नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि वही लोड फिर के क्वेश्चन रहता है आपका फ्लाइट के हवाले से। तो फ्लाइट गवर्नमेंट ही कोई अपडेट नहीं दे रही है, तो मैं आपको किस तरीके से अपडेट दे पाऊंगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।